तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में लिंक है या नहीं, ये आप कैसे अपने मोबाइल से 2 मिनट में पता लगा सकते हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए यहाँ पर मैं लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली बता देगा ये कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में लिंक है या नहीं, और कैसे आपको लिंक करना है, वो भी सिंपल सा स्टेप रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से समझना होगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर पैन कार्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, नीचे यहाँ पर आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने पैन कार्ड का नंबर डाला, आधार कार्ड नंबर डाला, अब नीचे यहाँ पर ब्लू आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ, ये दिखा रहा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक। ऐसा अगर आपके सामने आता है तो इसका मतलब है कि आपका पहले से लिंक है, आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं आएगा तो आपके सामने इस तरीके से आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन कार्ड और आधार नंबर डाला है, लिखा हुआ पैन नॉट लिंक विद आधार, ये पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करके डायरेक्टली आपको 1,000 का पेमेंट करके लिंक कर सकते हो। तो उस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वो देख के आप लिंक कर सकते हो। अब सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर, और आपको ब्राउजर पे सर्च करना है ई फिलिंग। ई फिलिंग आप लिखेंगे, सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आती है इनकम टैक्स की, इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक क्विक लिंक्स, अब इसमें आप देख सकते हो लिंक आधार स्टेटस सेकंड नंबर का ऑप्शन ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वही पेज आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालेंगे और नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। चलिए आज के इस वीडियो में।